40 बाय 50 फीट में बना हुआ है घर का जो है नक्शा आज हम देख रहे हैं। हाय हेलो, मेरा नाम सुशांत और आप देख रहे हैं लाइफ इज़ ऑसम सिविल। अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको 40 बाय 50 फीट में 2 BHK यानी कि 2 बेडरूम, हॉल, किचन, कार पार्किंग और किचन कम डाइनिंग एरिया के साथ साथ बना हुआ घर का जो है आज आपको नक्शा दिखा रहे हैं और इसका अंत में कितना खर्चा था। पिछले वीडियो में आप देखे थे 25 बाय 40 फीट में बना हुआ घर का जो नक्शा नॉर्थ फेसिंग था, ये वीडियो में आप देखेंगे ईस्ट फेसिंग घर का जो है नक्शा आप देख रहे हैं। इसमें देखिएगा फुल व्यू में देखे तो इस तरह से आपको दिखेगा, ये जो है पूरा फुल व्यू है। यहाँ पर देखो 40 बाय 50 फीट में बना हुआ है, ईस्ट फेस घर का है। ओके, इसके अंदर फर्स्ट आपको शुरुआत से बताते हैं। फर्स्ट आ जाता है जी आपका पार्किंग एरिया 23 फीट 6 इंच बाय 13 फुट 6 इंच में। उसके साथ अंदर एंटर करते हैं, मतलब ये आपका प्लॉट है 40-50 का, अंदर एंटर करते हैं और आपके जो राइट लेफ्ट साइड है वहाँ पर स्टेयरकेस दिया हुआ है, स्टेयरकेस के नीचे एक सेप्टिक टैंक भी बना हुआ है। सो इस तरह से, और पीछे की तरफ 2 फीट 6 इंच का जो ऑफसेट एरिया, एंड इधर आ जाता है आपका हॉल। हॉल साइज़ 19 बाय 18 फुट 9 इंच का एक हॉल मिल रहा है आपको, जो कि साइज़ तो बहुत कम्फर्टेबल एंड सफिशियंट है। हॉल का साइज़ 19 बाय 18 फुट 9 इंच में मिल रहा है। एंड इसके साथ एंटर करते हैं आप डाइनिंग एरिया, जिसका साइज़ आपको मिल जाता है 13-10 का, और यहाँ पर आ जाता है आपका किचन 13 फीट बाय 10 फुट 9 इंच में। तो इस तरह से ये हो गया जी किचन, डाइनिंग एरिया, हॉल। हॉल के बाद एंटर करते हैं घर के अंदर, वो है आपका बेडरूम एरिया, बेडरूम नंबर 2 और बेडरूम नंबर 1, और सामने की तरफ एक कॉमन टॉयलेट बाथ और एक अटैच्ड टॉयलेट बाथ। सो अटैच्ड की बात करें तो 13 बाई 4 फीट में आपको मिल रहा है। फिर उसके बाद बेडरूम नंबर 2 6 बाई 13 फीट में, और कॉमन टॉयलेट बाथ 5 बाई 8 फीट। नहाने के लिए और टॉयलेट परपोज जो सफिशियंट जगह एंड कंफर्टेबल साइज है। अगर आप चाहें तो एक टब भी रख सकते हैं, बट थोड़ा सा और बड़ा होने से जो है कंफर्टेबल रहता। जैसे वेस्ट की तरफ 2 फुट 6 इंच का ऑफसेट एरिया दिया हुआ है, वहाँ पे भी आपको जगह मिल रहा है सफिशियंट, पीछे जाने के लिए रास्ता भी मिल रहा है। तो ये था साथियों एक 40 बाय 50 फीट का सिंपल सा नक्शा था। अब हम बात करते हैं इसका खर्चा कितना आता है और आपको कितना पैसा चाहिए इस तरह का घर अगर आप 2022 में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो। सो टोटल हो जाएगा आपका 2000 स्क्वायर फीट। 2000 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई बाय तो लगभग आपको 30 से 35 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है फर्नीचर के साथ। अंदर की जो दीवार है वो 9 इंच का भी ले सकते हैं या फिर 6 इंच का भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर रहेगा। इस तरह से मिल रहा है, एंड ये देखिएगा ये हॉल 19 बाय 18 फुट 9 इंच और बेडरूम नंबर 2 इस तरह से। कॉलम्स का साइज आप ले सकते हैं 9 बाय 15 इंच का कॉलम। ओके साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।